ये बेसिकली मैं आपको बताता चलूँ, ये मैंग्रोव्स हैं। काफ़ी सारे जो लोग हैं उनको नहीं पता कि मैंग्रोव्स होते क्या है। मैं चाहता हूँ कि तारिक आप बताएं मैंग्रोव्स बेसिकली क्या होते हैं। हमें थोड़ा सा स्पून फीड तो तारिक करना पड़ेगा। देखें, किस्मत की बात यह थी कि जब ये खूबसूरत नज़म पढ़ी जा रही थी, उसका तर्जुमा किया जा रहा था, वो कटे हुए दरख्त पीछे थे और मैंग्रोव जो है वो एक बहुत ही यूनिक शय है। कराची में, पाकिस्तान में 7 नस्लें होती थी मैंग्रोव्स की, 4 रह गई हैं, 3 एक्सटिंक्ट हो गई हैं, दूसरे एट रिस्क हैं। सबसे ज़्यादा जो है प्रेवलेंट आवसीना मरीना है, जो आप जिसकी आप तस्वीरें देख रहे थे, कट रही हैं, ठीक है, उसकी लकड़ी जाके फर्नीचर कोयले में कन्वर्ट होती है, उससे तिक्के कबाब खाते हैं हम लोग। उसके तिक्के कबाब की तस्वीर भी आ जाएगी अभी। आवसीना मरीना जो है वो ऐसा दरख्त है जो अगर उसको सही किस्म का पानी मिल जाए, यानी कि खारा और मिक्स पानी, मीठा पानी का मिक्स मिले, तो उसकी नशनुमा बहुत तेज़ होती है और बहुत ऊंचे चले जाते हैं। कराची के जजीरों पे हमारे ये आवसीना मरीना कोई 40 से 50 फुट ऊंचे हैं, ठीक है, कट के जल रहे हैं। मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, बिल्कुल 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 बिल्कुल, प्लीज़ प्लीज़। ये तस्वीर पहले कट की थी, इस पूरे इलाके की तस्वीर मैंने बिल्कुल हरियाली में खींची है, फिर जाके इसके पहले दिन जब कटी हुई है उसके उसी दिन मैं पहुंच गया था गलती से। ये वाली तस्वीर थी, दिल टूट गया था, आंसू भरे हुए थे आंखों में, फिर निकला था मैं उधर से। और मगर ये वाला दरख्त जो है ये 40-50 फुट तक हो जाता है। इसके पत्ते जो हैं इसमें एंटीबायोटिक क्वालिटीज़ हैं। ऊँट को जब ज़ख़म लगता है तो हर्डर जो है पत्तों को, सूखे पत्तों को पट्टी में बांध के क्या कहते हैं, बूंद के ऊपर लगा देता है, जख्म पे लगा देता है, और उसकी एंटीबायोटिक प्रॉपर्टीज उसको हीलिंग उसकी बहुत ज़्यादा तेज़ कर जाती है। पत्तों से नमक निकलता है, पेड़ ऑक्सीजन अपनी जड़ों से लेता है, बिकॉज ये पानी में नशमा पाता है, उगता है। वो आप छोटी छोटी आपको लाइनें नज़र आएंगी, ये वाली जो साइड पर नज़र है ये इनकी एरियल रूट्स कहलाती हैं। इनकी रूट्स के गिर्द फंगल और बैक्टीरियल नेटवर्क्स हैं, माइसीलियम कहलाते हैं। माइसीलियम जो है वो इन पेड़ों को एक दूसरे से कम्युनिकेट करने की सहूलत देते हैं थ्रू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। कीचड़ के जो मैदान हैं उनके अंदर केकड़े, किचवे 5-5 फुट लंबे ब्लड वर्म्स घूमते हैं, मड स्किपर मच्छी है जो पानी और हवा में 4-5 दिन बाहर भी रह सकती है, पानी में भी रहती है, वेरी एंशंट स्पीसीज ऑफ फिश, वो खड्डे खोदती है। पानी जो है ये रिलेटेड है, पानी जो है कराची में 13 फुट ऊपर चढ़ता है और 13 फुट नीचे आता है, ठीक है। अब ये कीचड़ के मैदान जो है ना उसमें ऑक्सीजन जो है ऊपर से लेके 13 फुट नीचे तक जाती है। इधर जो बायोडाइवर्सिटी है बहुत बहुत उम्दा है। और अफसोस की जो बात है, अफसोस की बात है, तो तारिक ने अभी इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त क्वालिटीज़ बताई हैं, अफसोस की बात है कि हम ये जानते बूझते हुए कॉन्शियसली इसको ख़त्म कर रहे हैं, कि ऐसी चीज़ को जो आपको, आपके आगे आने वाली नस्लों को फ़ायदा पहुँचाएगी। ख़वातीन और हज़रात, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मच जाएगा। वी आर इन अ वेरी सीरियस कॉन्वर्सेशन राइट नाउ अबाउट द अर्थ। यू आर वॉचिंग द मॉर्निंग, विल बी राइट बैक।